एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस। कैसे हो तुम लोग गाइस? आई एम रियली 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 सॉरी, मैंने तुम लोगों का तस्का कहा और मैं आ 11 बजे रही हूँ। असल में मेरे साथ बड़ी अजीब चीज हुई। अभी मैं अपने रूम को साफ कर रही थी, ठीक है, तो वो जो थी वो बड़े वाले बालू के नीचे बैठी थी, तो मैंने जब बालू उठाया वो भागी रूम से। ये भी जस्ट तो मैं आधा घंटा या एक घंटा पहले की ही बात बता रही हूँ, ठीक है। तो बिल्ली भागी, तो उसके बाद ना मेरे पापा नीचे गए दवाई लेने। पता नहीं बिल्ली कहाँ थी, मुझे नहीं पता। फिर मेरे पापा जब वापस आए थे तो 5th फ्लोर नीचे बिल्ली मिली, और मेरी बिल्ली हमेशा अपनी खिड़कियों में बैठती है, हमारी खिड़कियों में बैठती है। पता नहीं वो कूद गई या भाग गई, कुछ पता नहीं है, पर वो डर के अभी बैठी हुई है। और मुझे लगा कि वो पता नहीं इसके साथ क्या हुआ, मुझे सच में नहीं पता, बट दुआ करो उसके साथ कुछ ना हुआ, वरना मुझे इसको इमरजेंसी डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। कोई पता नहीं है, कूद गई है मुझे ऐसा लगता है, और 5th फ्लोर से कूदी, और वो 3 महीने की बिल्ली है, तो मेरी फट गई सीरियसली। बट अभी वो ठीक लग रही है। वैसे आई थी बहुत तेज से सांस रही थी, बहुत डर गई थी वो। मैंने गूगल किया तो लिखा आया कि 20 फ्लोर तक बिल्ली बर्दाश्त कर लेती है, पर कोई पता नहीं है ना, छोटी बिल्ली है, कुछ हो गया होगा तो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है तुम लोगों के। आज हमारी न्यू हाईलाइट पे तुम लोगों का वेलकम है। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं वन एंड ओनली लेजेंड यूट्यूबर कैरी मनाती पे। कैसे हैं आप लोग? आज से कुछ दिन पहले मैं अपने लिए नए कपड़े लेने गया था, क्योंकि फैशन का दलवा यार मुझे भी दिखाना है। खैर मैं वहां पर क्या देखता हूँ, एक 4 साल की बच्ची अपने मम्मी के फोन पे टिकटॉक देख रही है। टू बी ऑनेस्ट, आजकल यही होता है, आप किसी भी फैमिली गैदरिंग में जाओ, कहीं भी जाओ, बच्चों के फोन होंगे और अपनी मम्मा पापा के फोन होंगे एक्चुअली, और उनमें टिकटॉक चल रहा होगा। इतना क्रिंज भर गया है ना, इंडिया वालों को तो ठीक है बैन हो गया, पाकिस्तान में स्टिल वही चल रहा है, बहुत ज्यादा क्रिंज है। उस बच्चे के हाथ में फोन पूरा आ भी नहीं रहा था, लेकिन उसकी गर्दन यूं ये जरूर हो रहा है। मैं सही बता रहा हूं, अगर ये दुनिया एक इंसान है ना, तो इस इंसान को कब्ज है जिसका नाम है टिकटॉक। साला बारी नहीं आ रहा। एक नया दौर आ चुका है जहां छोटू से लेके मोटू तक, चोमू से लेके मोमू तक सब टिकटॉक बना रहे हैं, और कोई दिन की बात है टिकटॉक इस देश का राष्ट्रीय ऐप घोषित कर दिया जाएगा, तब सब लोग बोलेंगे वाह मोदी जी वाह। जब इसके घर लाइट जाएगी तब इसके बालों में आग लगा दी जाएगी, फिर ये भोसड़ी का मशाल बन के घूमेगा। ये मछली धरती पे कैसे आई? मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई धरती पे तैरने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये वीडियो खत्म हुई ना, ये चलबिन मछली वापस पानी में कूद गया। भाई वीडियो डाल दीजो, मैं जा रहा हूँ, आको मीन ने पंचायत बिठाई है। हाय हाय, माशाल्लाह ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया है सिवाय मेरे नंबर के। क्या यार, दुकानदार पे सबसे ज्यादा कीड़ा होता है ये टिकटॉक चलाने का, ट्रस्ट मी। शादी नहीं कर सकती, मेरे सारे फोटोज डिलीट कर दो। सिर्फ एक फोटो रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हिलाते वक्त मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। दोस्ती कैसी होनी चाहिए रे? अपनी जैसी। मतलब कैसी? कितनी गहरी। एक मिनट वापस देखेंगे हम। होनी चाहिए रे? अपनी जैसी। मतलब कैसी? मतलब एक चूतिया है तो मैं उससे बड़ा चूतिया बनूंगा। ज्यादा हो रहे टू बी ऑनेस्ट, ज्यादा हो रहे। क्या हाल है? कुछ नहीं जी, आप बताओ आपके क्या हाल है? बस चल रहा है। अच्छा सुन, मैंने यार मेरी ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तेरे को कुछ ईमेल्स दिखानी है यूट्यूब की, जो दी आई है। जल्दी कर लो यार, जल्दी कर लो थोड़ा। बस 2 मिनट स्क्रीन देख। भाई इन्होंने 2 वीडियो डाउन कर दिया और 5-6 वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट कर दिए। डाउन ही कर दिए? मैं खुद को समझ में नहीं आ रहा भाई, इन्होंने तो हद ही पार कर दी है यार। और क्या क्या है रीजन कुछ है? Mm-hmm.
आज गजब हो गया। मेरे मेल में एक पॉर्न वीडियो आई है जिसका हीरो मैं हूँ। अच्छा, आप मुझे वीडियो फॉरवर्ड कर दो और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कहाँ डालनी है। अपनी गांड में डाल ले। अबे गधे, जिसने ये कांड किया उसे पकड़ जाके। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैं करवाता हूँ। करवा मत, खुद जा और पकड़ बैंचोस। मैं शैतान हूँ पानी पिलाने के लिए और तुम अंडरवर्ल्ड में हो। एक मिनट, हो ही नहीं सकता। मैंने डार्क वेब पे देखा है, अंडरवर्ल्ड में हम नंगे जाते हैं। अपने आसपास देखो, ये अंडरवर्ल्ड है, लॉकर रूम नहीं। अच्छा, हेलो कैरी। हाँ जी, मेरे टॉयलेट की फ्लश साउंड तेरे वीडियो से ज्यादा फनी है। अब ये चिल्ला के गाली देगा और सारे बच्चे हंस पड़ेंगे। ओ शिट, कैरी तू मुझ पे डिस्ट्रैक्ट तो नहीं बना देगा? आई एम सॉरी, आई टेक इट बैक। मैं तुझे गाने का एक और चांस नहीं देना चाहता। 2016 में सही था, अब तो बस पैसे कमा रहा है। ये थर्ड क्लास की एनिमेशन ही देख लो, 4 महीने लगा दिए। मुझे तो ये बिट समझ में भी नहीं आया। भाई मुंह की बात छीन ली। धीरज ब्रो, इस व्लॉग में लो-फाई बीट्स डाल दियो और सैम कोल्डर वाली ट्रांजिशंस। वीडियो हाईली एडिटेड लगेगी। टिनू, मैं डीप फेक्स कर सकता है। डू नॉट डिसरिस्पेक्ट माय एडिटिंग। सलमान खान। बच्चों, तुमने आज वो कर दिखाया जो मैं भी नहीं कर सका। तुमने इतनी चूतिया बात करी कि सामने वाले का मुंह ही बंद हो गया। तो कैसे हैं आप लोग? बिग बॉस जाने का क्या फायदा हो रहा है? कभी ये खबर आई है, बिग बॉस से निकले प्रतियोगी शाहरुख खान के साथ मिली पिक्चर, या बिग बॉस से निकले प्रतियोगी BTS में मिला दाखिला? नहीं। हाय गाइस, चेक आउट माय न्यू म्यूजिक वीडियो विद टी सीरीज एंड 25 भांग भोसड़े जो से प्रमोट कर रहे हैं। बस खत्म, दी एंड। बर्फ पड़ गई बहनचोद। फिर अगले साल फिर बिग बॉस, यही साइकिल रिपीट होती रहेगी जब तक बिग बॉस इन्हें नहीं चूस लेता या ये बिग बॉस को नहीं चूस लेते। वरना ऐसे तो मैं भी चले जाता, पर मेरी इंस्पिरेशन टोनी कक्कड़ की वीडियो में आना नहीं है। बहुत ऑप्शन है, कोई पंजाबी लेबल चूस लूंगा। खैर आ गया, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी पक्षोदी के। हमारे पहले सेलेब्रिटी की पी है एजाज खान। वो वाला नहीं, ये अलग है, सिर्फ दिखने में। वो वाले की तरह इसकी भी फट जाती है आवाज। नजदीक नहीं आना, नजदीक नहीं आना। एक चीज ही समझ आता है, ये हमेशा बिग बॉस में जो भी फाइट होती है वो रिलूवर सेम वर्ड को क्यों बोलते? नजदीक नहीं आना, नजदीक नहीं आना, स्पैम कर रही है वर्ड्स को, मतलब क्यों? हम ट्रैफिक इतना वहां तुम सोने की कोशिश कर रहे हो और यहाँ रात के 2 बजे गान तक का जोर लगा के परफॉर्मेंस चल रही है। चलो गाइस, अब बहुत देर हो गई है यार, फोकस पे ना लो, प्लीज डू इट। चलो गाइस, बाय 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 बाय, लव यू गाइस, बाय 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 बाय। या कैन आई फ्लाई यू टू द मून, कैन वी प्ले अमंग द स्टार्स, आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ यू लेटली टू कंट्रोल ओवर माय हार्ट, यू से दैट यू नीड अ स्पेस, एटमॉस्फेयर वाज इन माय आर्स, व्हेन आई लुक अप एट योर फेस, द रिफ्लेक्शन शोस द स्काई, सो आई फ्लाई यू टू द मून, वेयर वी फ्लोट अमंग द स्टार्स, डोंट यू सी शी नेवर नो, बट द लाइट शाइन फ्रॉम अफार, आई विश दिस वुड नेवर एंड, आई हैव बीन ट्राइंग टू प्रिटेंड समथिंग्स रॉन्ग इन दिस विद इट, द रिफ्लेक्शन सीम्स टू विन।